गाइस आज बनाएंगे आयुर्वेदिक चाय। ये है कोल्डाविन की, देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिनल टी लिखा है यहाँ पे। तो ये बनाएंगे अभी। इसके लिए मैंने लिया है ये 1 कप पानी लिया है। अब इसको गर्म करेंगे पानी को, गैस पे रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, 2 मिनट में बन जाती है ये। बढ़िया प्रोडक्ट है ये चारंगधर का, कोल्डाविन करके ग्रैन्यूल्स रहते हैं। और ये देखिए इसकी प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको, प्राइस नीचे होगी, हाँ ये देखिए 275 की है ये 200 ग्राम। बिल्कुल आसान सा तरीका है और इसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट वो यहाँ पे दिए हैं। तो अपना पानी गर्म हो गया है, इसको बंद करेंगे गैस को, पानी अपने ग्लास में ले लेंगे, ज़्यादा उबालने का नहीं है पानी, ये ले लिया। अभी इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करके दे दो भैया, ओपन करो। और उसमें स्पून दिया हुआ है, ये डालेंगे। अभी मैं डालूँगा 3 चम्मच, क्योंकि मेरा ये जो कप है ये बड़ा है, अगर आपका छोटा कप है तो 2 चम्मच डालिए। तो ये ऐसे ग्रैन्यूल, 1, 2, 3, ये 3 कप डाल दिया है मैंने। अभी इसको जस्ट आपको मिक्स करना है। बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है, जो भी इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है उसकी स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रही है, ये देखें। अगर आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये आप लेना ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया है ये ग्रैन्यूल्स, इसमें शक्कर इंक्लूडेड है, तो शक्कर ऊपर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी पसंद नहीं आती है तो आप अपनी जो रेगुलर चाय है, जो दूध के साथ दूध डाल के बनाते हैं, उसमें भी डाला तो भी चलता है। तो बनाइए, देखिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप अमेजोन से बाय कर सकते हो या फिर वहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।